नमस्कार दोस्तों, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम अरविंद। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि पेटीएम का बीसी एजेंट कैसे बने। चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए। यदि आप एक नए रिटेलर हैं तो दोस्तों सभी क्या करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, हजारों तरह की वीडियो देखते हैं। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लोगे तो आपको किसी का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दोस्तों यदि आप गलती करते हो, वीडियो को शुरू में देखते हो या काट के लास्ट में देखते हो, तो दोस्तों आपको कभी समझ में नहीं आ पाएगा कि आप पेटीएम का बीसी एजेंट कैसे बनेंगे। और दोस्तों आप हमें कॉमेंट में खाली ये लिखोगे, सर आप हमें पेटीएम का बीसी एजेंट बना दीजिए। चलिए दोस्तों ये गलती ना करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हो और आपने हमारा टेक्निकल स्टार यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन की नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, जिससे भविष्य में कभी इस तरह का वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, आगे ज्यादा समय नहीं लगाते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला है दोस्तों कि पेटीएम का बीसी एजेंट कैसे बनेंगे, पेटीएम का बीसी एजेंट कौन बनाएगा और वो बंदा आपको कहाँ मिलेगा जो आपको पेटीएम का बीसी एजेंट बनाएगा। और दूसरा आता है पेटीएम का बीसी एजेंट बनने के लिए दोस्तों आपके पास किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। और उसके बाद तीसरा स्टेप है दोस्तों, यदि पेटीएम के बीसी एजेंट बनने के दौर में यदि आपका किसी पेटीएम हैकर से सामना हो जाए तो दोस्तों आप किस तरह से बचोगे। चलिए दोस्तों सबसे पहला स्टेप है पेटीएम का बीसी एजेंट आपको कौन बनाएगा। दोस्तों मार्केट में पेटीएम के जो एजेंट होते हैं वो हर रिटेलर को, जो ज़्यादातर रिटेलर केवाईसी पॉइंट चाहते हैं, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो कि मेरे पास में केवाईसी पॉइंट है, तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि मुझे केवाईसी पॉइंट किस तरह से मिला। मैं दूसरे का नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। दरअसल शुरुआती दौर में मुझे भी चाहती कि मैं भी कस्टमर की केवाईसी करूँ और उससे पैसे कमाऊँ। दोस्तों पर केवाईसी हमको 15 रुपये मिलते हैं, लेकिन यदि आप इस वीडियो को कभी भविष्य में देखोगे तो दोस्तों उसका चार्ज आपको ज़्यादा भी मिल सकता है या कम भी मिल सकता है। दोस्तों तो दोस्तों केवाईसी दो तरह के रिटेलर होते हैं, एक तो नॉर्मल और एक हैवी वाले। दोस्तों हैवी वाले होते हैं वो कंपनी को पैसा देते हैं, जैसे मान लीजिए 10,000। अभी मुझे जो मेरे एजेंट आए थे पेटीएम के, उन्होंने मुझे बताया कि आप 10,000 रुपये दीजिए, आपको पेटीएम की तरफ से बहुत सारी सुविधाएँ दी जाएंगी। सबसे पहली सुविधा थी कि आपके यहाँ पर बोर्ड लगा दिया जाएगा पेटीएम का, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दुकान पे लगाई जाएंगी, जिससे कि दिखेगा सभी को दूर से कि यहाँ पे पेटीएम का केवाईसी पॉइंट है। और दूसरा था कि आप कस्टमर का यानी पेटीएम का एटीएम इशू कर सकते हो अपनी शॉप से ही। और तीसरा था मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो आप पेटीएम के थ्रू, आपको पेटीएम का मनी ट्रांसफ़र पोर्टल दिया जाएगा। और उसमें एक बताया था कि आप आधार विड्रॉल से भी पैसा कमा सकते हो। ये थी दोस्तों हैवी वाली। एक नो होते हैं नॉर्मल वाली, जैसे कुछ कहते हैं भी हमें पैसा नहीं खर्च करना है, हमको नॉर्मल वाला बनना है। दोस्तों नॉर्मल वाले में आपको खाली 15 रुपये पर केवाईसी दी जाएगी, और आपकी दुकान पर सादा सी, जैसे तरह से मेरे दिख रहे होगी आपको ये सादा सी केवाईसी पॉइंट का स्टिकर लगा, बोर्ड ये लगा हुआ है बैनर, तो दोस्तों ये नॉर्मल दी जाती है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, पेटीएम का बीसी एजेंट बनने के लिए आपको थोड़ी भागदौड़ करनी होगी, इधर से उधर जाना होगा। यदि मान लीजिए कुछ मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था दोस्तों, जिसमें कुछ लोगों ने कहा था कि हमारे यहाँ से मेन मार्केट जो है वो काफ़ी दूर है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, सब चीज़ का सलूशन बताएंगे कि यदि आपके यहाँ से मार्केट दूर है या पास है तो आप उनसे किस तरह से कॉन्टैक्ट करोगे। सबसे पॉइंट नंबर वन है दोस्तों, यदि आप पुराने रिटेलर हो या आप नए रिटेलर हो, तो दोस्तों आप हम शुरू करते हैं नए रिटेलर से। यदि आप सपोज कीजिए आप एक नए रिटेलर हो, आपने हाल ही में अपनी दुकान को चालू किया है, आपकी शॉप पर कोई रिचार्ज वाला भी नहीं आता है और आप पेटीएम से या गूगल पे से रिचार्ज करते हो, तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको मार्केट में जाना है। मार्केट में जाकर जिस दुकान पर भी आपने बारकोड लगा हुआ देखा होगा पेटीएम का, तो दोस्तों आपको उनसे बात करनी होगी। दोस्तों ये मेन पॉइंट है, यदि आप इस बात को मिस कर देते हो तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा कि हमने वीडियो में पीछे बताया क्या था। दोस्तों सबसे पहला मेन पॉइंट है कि आप यदि किसी रिटेलर के पास जाकर डायरेक्टली बोलते हो कि सर हमको पेटीएम का बीसी एजेंट बनना है, और उन एजेंट का पेटीएम के एजेंट का नंबर दे दीजिए, तो वो आपको 1 से लाख तक वो पेटीएम का बीसी एजेंट का आपको नंबर नहीं देगा। दोस्तों तो आपको करना क्या है, यदि आप किसी रिटेलर के पास जाते हो मार्केट में, तो उनसे बोलना है सर हमारी किराने की दुकान है, सब्जी की दुकान है, तो हमारे यहाँ पर पेटीएम से पेमेंट देने वाले बहुत बंदे आते हैं, तो सर हमको पेटीएम का बारकोड बनवाना है, तो हमारे पास पेटीएम तो है लेकिन बारकोड नहीं है। तो दोस्तों यदि आप इस तरह से उनसे बात करोगे तो आपको 100 से लेकर 90% तक वो आपको नंबर दे देंगे। और दूसरा आता है दोस्तों, यदि आपकी वो मदद ना करे तो दूसरा है, यदि आप पेटीएम तो यूज़ करते होगे, पेटीएम में हेल्पलाइन नंबर होते हैं दोस्तों, यदि आप पेटीएम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करोगे तो वो आपके एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर का DSC का नंबर आपको दे सकते हैं। और दोस्तों तीसरा है, यदि आपकी दुकान पुरानी है और उस पर आइडिया वोडा के DSC आते हैं, तो दोस्तों आपको करना क्या है, उनसे संपर्क करना है, उनसे पूछना है कि मार्केट में कि पेटीएम के एजेंट आते हैं या नहीं आते हैं। दोस्तों तो वो आपको बताएंगे, ज़्यादातर मार्केट में
पेटीएम के एजेंट आते हैं, या आप दूर हो तो आपके पास नहीं आते हैं, या आप मेन मार्केट में हो या आपके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो आपको बता देंगे कि यहाँ पर नहीं आते हैं लेकिन उस मार्केट में आते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, यदि आपके वो मिलने वाले अच्छे, अपने संबंध उनसे अच्छे होंगे तो वो आपको बता सकते हैं, नंबर ले सकते हैं उनसे, या वो बता सकते हैं कि उस मार्केट में वहाँ तक आते हैं, या आप जिस मार्केट तक वो बंदे आते हैं पेटीएम के एजेंट, आप वहाँ पर जाके उनसे बात कर सकते हो। दोस्तों आपको करना क्या है, यदि आपके उनसे बात हो जाए, वो आपकी शॉप पर भी आने के लिए तैयार हो जाए, तो दोस्तों आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना होगा, जब वो बंदा आपके पास आए आपकी शॉप पर, सबसे पहले तो उसके खाने पीने की व्यवस्था करनी है कि उसको एक भाईचारे की तरह आपको लेना है, जैसे कि वो आपका बस ऐसा है कि आपको कतई खास मित्र हो, उसका रिलेशन सब बनाना है कि वो आपका काम, रिलेशन पाने के बाद में दोस्तों दोस्ती में हर काम बहुत आसानी हो जाता है, और इसमें पैसा बहुत ना के बराबर खर्च होता है। यदि आप उससे एक अनजान की तरह बात करोगे तो वो आपसे पैसे की भी डिमांड कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको करना क्या है, उनसे बात करनी है आपको, उनको बुलाना है। ज़्यादातर मैंने पिछली वीडियो में कुछ एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि सर कि मैंने इस तरह से ये प्रोसेस किया था और मुझे वो आए मेरे पास, तो दोस्तों उस बंदे को पेटीएम एजेंट जो था उसको पेट्रोल के पैसे अलग से दिए, उसको खिलाया पिलाया अलग से। तो दोस्तों ये था प्रोसेस, आप पेटीएम का 20 एजेंट किस तरह से बन सकते हो और संपर्क किस तरह से करोगे। और मैंने एक और बताया था दोस्तों कि पेटीएम हैकर से सावधान रहे, जैसे कि आप नए रिटेलर हो और आप पेटीएम पे यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हो कि पेटीएम का 20 एजेंट कैसे बने, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। आप जैसे कि किसी भी वीडियो में कमेंट कर देते हो, जैसे ऐसे ही कुछ तरह के हैकर होते हैं, वो वीडियो में डाल देते हैं अपना नंबर और लिख देते हैं कि किसी को अगर पेटीएम का 20 एजेंट बनना है तो वो इस नंबर पर संपर्क करे। तो दोस्तों होता क्या है, आप उनसे जैसे ही संपर्क करोगे तो वो दोस्तों करते क्या है कि वो आपसे बोलेंगे कि प्ले स्टोर में जाना और आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करोगे तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, और जैसे ही आप उसको ओपन करते हो तो दोस्तों वो एक रिमोट कंट्रोल वाला ऐप होता है, या वो आपको मोबाइल पे एसएमएस के जरिए उस लिंक को सेंड कर दें। तो दोस्तों आपको किसी भी हैकर के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको ऑनलाइन कोई भी पेटीएम का 20 एजेंट नहीं बना सकता। कुछ लोग पैसे की डिमांड करते हैं कि हमको 500 रुपये पेटीएम कर दीजिए, हम आपको पेटीएम की 20 एजेंट की आईडी आपको शेयर कर देंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऑनलाइन, मैं भी आपको पेटीएम का 20 एजेंट नहीं बना सकता, ये खाली आपको ही मेहनत करनी होगी और आपको उस बंदे को तलाशना होगा जिसमें आपको 10 दिन लगे या 20 दिन लगे या 1 महीना या 2 महीना, जितना भी समय लगे कोई दिक्कत नहीं है, लग जाइए, लेकिन किसी की बातों में नहीं आना है। यानी कि यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर किसी से इस तरह का संबंध ना रखें जो बोले आपसे कि हम आपको पेटीएम का 20 एजेंट बना सकते हैं। दोस्तों पेटीएम का 20 एजेंट आपको वही बना सकता है जो आपके एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर होगा या उस एरिया का पेटीएम का DSC होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों इस वीडियो को अपने नए रिटेलर के पास में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। यदि आपको और को भी कोई भी समस्या आती है, यदि आपको और किसी चीज़ की मदद चाहिए तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।